स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल DK डिजिटल कैश में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने ये आयरा ऐप ओपन की हुई है, तो आप सभी लोग जिन्होंने भी इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट की थी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने यहाँ पर माइनिंग कितने टाइम पहले से स्टार्ट की थी। और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो फिलहाल अभी मुझे इसका प्राइस नहीं है याद कि कितना मैंने यहाँ पर या कितना इनकी टीम ने कमिट किया था, जो इनकी टीम ने जो कमिट किया था उस प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छे प्राइस से, मतलब ठीक ठाक प्राइस से, एवरेज प्राइस से जो है दोस्तों ये लिस्ट होगा। और ज़्यादा लंबी आप लोगों को माइनिंग नहीं करनी होगी, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। बट यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट की थी दोस्तों, वो अभी भी यहाँ पर माइनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको रेगुलर यहाँ पर माइन कर रहा हूँ। और जब से माइन कर रहा हूँ तब से अभी तक इस ऐप के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है कि यहाँ पर माइनिंग स्टॉप हो गई हो या किसी तरीके से कोई बग आ गया हो। जैसे अभी आपने देखा कि मिनटेक्स की एप्लीकेशन जो थी, इनका जो प्रोजेक्ट था, देखने में इंटरफेस वगैरह बहुत बढ़िया था, लेकिन वो क्रैश हो गई। और उसके क्रैश होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया, और लोगों का जो विश्वास है उस मिनटेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर जो माइनिंग करने को था वो कहीं ना कहीं अब ड्रॉप हो गया, और उसमें से जो उनके यूज़र्स थे वो टूट चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके की भी प्रोजेक्ट, इस तरीके की एप्लीकेशन जो है यहाँ पर डेली बेसिस पर क्या मतलब आ रही है, वीकली बेसिस पर आ ही जाती हैं कोई ना कोई माइनिंग ऐप्स। लेकिन हमारा काम यही है कि जो यहाँ पर सही तरीके से वर्किंग करते हुए आगे चल रही है, हम उसको होल्ड करके रखें, हम उसकी माइनिंग करते रहें और इंतज़ार करें कि कब कौन सा कॉइन जो सही समय पर लिस्ट होता है, और उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट या बेनिफिट जो है दोस्तों वहाँ से निकाल लें। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आयरा की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अभी जो फ़िलहाल बात कर रहा हूँ वो है एक नई माइनिंग एप्लीकेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो जो नई माइनिंग एप्लीकेशन है वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, यानी कि सेम टीम है, वही सेम टीम जो कि यहाँ पर आयरा प्रोजेक्ट रन कर रही है या इसके अंदर माइनिंग करवा रही है, सेम प्रोजेक्ट सेम की टीम जो है यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए लेकर के आई है यहाँ पर एक नया कॉइन। और इसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पर बताया गया है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दोस्तों बता दूंगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस है, सेम एक जैसा है, कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। सारे जो फीचर्स हैं आप देख सकते हो, और इस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जिस तरीके से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने को नहीं मिली है, ठीक हो सकता है कि इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई हमको प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले और ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने लगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो स्पीड है बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे आपको आयरा कॉइन के अंदर जो स्पीड मिली थी, यानी 3 कॉइन्स पर डे के हिसाब से। सॉरी, यहाँ पर 3 कॉइन्स पर डे है, लेकिन इसके अंदर स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा मिली थी मे बी। तो आप देख सकते हो 3700, खैर ये तो मेरे रेफरल्स के बाद में यहाँ पर स्पीड बढ़ गई है, तो इसको हम स्किप करते हैं। बट ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आपको ठीक ठाक कॉइन मिल रहे हैं, और मैं इसलिए ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोजेक्ट की माइनिंग ऐप के अंदर हम लोग यहाँ पर माइनिंग कर ही रहे हैं। तो फिर जब सेम प्रोजेक्ट की माइनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो सेम प्रोजेक्ट की जो दूसरा भी इन्होंने यहाँ पर माइनिंग ऐप निकाल दी है, तो चलिए इसमें भी यहाँ पर हम लोग माइनिंग कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, वो लोग यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, और जिन्होंने आयरा के अंदर भी माइनिंग स्टार्ट नहीं करी है वो भी यहाँ पर माइनिंग अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट है, सेम टीम है, तो मैं दोनों ही एप्लीकेशन के जो लिंक है वो टेलीग्राम और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। आप लोग दोनों जगह में से जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट करके माइनिंग स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर अपनी माइनिंग जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए वही कॉन्सेप्ट है कि भाई आप रेफरल्स करो, जितने ज़्यादा रेफरल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी माइनिंग जो स्पीड है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगी। बाकी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय स्पीड का भी कुछ लिखा हुआ है, और विड्रॉल वगैरह सेम सारे ऑप्शन है, लेकिन बाय का मतलब यानी कि खरीदना, जो कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी माइनिंग ऐप के अंदर कुछ परचेज़ करें। सिंपल, आपको कहीं फ्री में अगर आपको माइनिंग करने की मिल रही है तो आप सिंपली बस फ्री में वो माइनिंग करें और पेशेंस के साथ में बस उस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े रहें। ये मेरा हमेशा जो है रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि किसी भी तरीके के लॉस के लिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहूँगा। अगर ट्रेडिंग करते तो हाँ, उसमें एक बोला जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है, रिस्की मार्केट है, लेकिन फ़िलहाल ये माइनिंग
कॉन्सेप्ट है। इसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सी टीम, कौन सा प्रोजेक्ट जो आपसे डिमांड करके पैसे लेकर के और फिर कहीं ना कहीं जो है उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे, ठीक है। तो ये एक होती है, लेकिन अभी तक हमें जितनी भी माइनिंग एप्लीकेशन जो है हमने माइन करी है, अभी तक किसी में भी ऐसी कोई एप्लीकेशन अभी तक हमें ऐसी नहीं मिली है कि किसी ने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया हो। एक साल से ज़्यादा हो गया और हम लोग माइनिंग करें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, अलग अलग माइनिंग के अंदर कुछ लोग, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ माइनिंग जो है वो क्रैश भी हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, मतलब ज़्यादातर जो अमाउंट है माइनिंग ऐप्स की वो स्टेबल है उनके ऊपर, मतलब पॉजिटिव वे में बोला जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो लंबे समय से यहाँ पर चल रहे हैं। इक्का दुक्का कोई ख़राब निकल आता है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, और वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ ढूंढोगे तो आपको वहाँ पर कोई ना कहीं ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो है वो आपको ख़राब जो है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा है और हमेशा ये चीज़ रहेगी, तो इस चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखें जब भी आप माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता किसी भी माइनिंग ऐप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बाकी आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर जो है मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, तो ऐसे में जो है यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपडेट्स को मैं यहाँ पर पकड़ नहीं पाता हूँ, तो ऐसे में आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप भी अगर कुछ कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लेने के लिए आप कहीं ना कहीं उनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स होते हैं, वहाँ पर आप उनको फॉलो करें, जिससे कि आप लोगों को भी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक। तो अभी जब भी आप इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट करें दोस्तों, तो जो इनका ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो आयरा का हो चाहे फिर वो ITH का हो, दोनों के टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ इनके ट्विटर अकाउंट का जो ग्रुप है, उन दोनों ही पेजेस आपको इनके ऐप्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्विटर पर क्लिक करूंगा तो आप लोगों के सामने यहां पर आ जाएगा ट्विटर पर फॉलो करने के लिए, और उसी तरीके से अगर मैं यहां पर टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने आ जाएगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप इनका ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इनका टेलीग्राम ग्रुप वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, और अपना जो टेलीग्राम है डी के क्रिप्टो के नाम से, तो उस पर मैं शेयर कर दूंगा, आप सिंपली उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, नई माइनिंग ऐप है तो तुरंत के तुरंत आप लोगों को शेयर करना चाहता था, इसलिए फिलहाल मैंने आप लोगों के साथ में इसको वीडियो के जरिए दोस्तों शेयर कर दिया, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पर माइनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।